हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सौरथल गाजी का सीजन 5 का एपिसोड 31। आइए देखते हैं। तुम मेरी बहन की राजदार हो मेंगू, तुम्हें पता होगा बाजी अमीर बहाउद्दीन से शादी क्यों नहीं करना चाहती, आखिर क्या वजह है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इलबिलगे खातून शादी नहीं करना चाहती उनसे। मैं भी यही कह रही हूँ। कभी किसी और का जिक्र किया उन्होंने तुमसे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं किया और ना ही कभी कुछ सुना मैंने। कोई मौजा ही ये शादी करवा सकता है। उनकी शादी अगर अमीर बहाउद्दीन से हो गई तो वो बहुत खुश रहेंगी। क्या अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। इसको खबर नहीं है ना अब तक। क्या हुआ है, क्या खबर है सिपाही? महसूल ले जाने वाले काफले पर हमला हुआ है। इलबिलगे खातून अगवा हो गई है। ये जरूरत कौन कर सकता है? ट्रेगोस के आदमी थे। बेबुलात सरदार कहाँ है? बेबुलात सरदार अर्तुरुल साहब से मदद लेने के लिए सराय गए हैं। बाद में ड्रेगोस भी आ गया वहाँ। फिर अर्तुरुल साहब ने बेबुलात सरदार और उनके सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या जुर्म किया है मेरे भाई ने जो उन्हें जिंदान में डाल दिया? जाकर सिपाहियों से कहो कि वो जल्द तैयार हो जाएं। सराय जाएंगे हम। तो तारा और मेकेस ने एक दूसरे को राजदारी से देखा। हुक्म दीजिए भाई, उन दोनों को यहाँ लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर सब कुछ उगलवा लूंगा उनसे। गहराई जाने बगैर कुएं में रस्सी नहीं फेंकते। कुआं गहरा है या फिर रस्सी छोटी, ये बात मालूम होनी चाहिए। Absolutely. और ये ताकि हकीकत का इल्म हो जाए। भाई, कबीले से एक बुरी खबर आई है। आर्तुक भाई और सिपाहियों पर हमला हुआ है। उनके साथ जाने वाले दोनों सिपाही शहीद हो गए। और आर्तुक भाई? आर्तुक भाई गायब हैं। तो इसी वजह से वो कबीले नहीं पहुंचे। क्या तुम्हें उनका कोई सुराग मिला? कोई सुराग नहीं मिला। गुंदुस और सुलेमान सिपाहियों को अपने साथ लेकर उनकी तलाश में गए हैं। भाई आखिर किसने अगवा किया होगा उन्हें? सिपा खबर है बमसी, जो हमारे राज जानना चाहता होगा उसी ने किया है ये। आर्तुक भाई कभी जबान नहीं खोलेंगे चाहे जितना भी तशद्दुद हो जाए। लेकिन हमें उन्हें फौरन तलाश करना होगा। जिसने भी ये काम किया है उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा मैं। तुर्गुत जी भाई, मार्गिन सुलेमान के साथ जाओ। हर जगह तलाश करो उन्हें। अगर वो जमीन की सातवीं तह में भी है तो भी उन्हें लिए बगैर वापस नहीं आना। तुमको बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। यकीनन अपनी जबान खोलोगे, मैं तुम्हारी आंखों से रोशनी छीन लूंगा। उसके बाद नहीं, नहीं, तुम्हारे फिर में तुम्हारी ये जबान भी काट दूंगा। हमारे दिल में जो ईमान की रोशनी है उसी की अहमियत है हमारे लिए। हमारा ईमान ही रूह को तस्कीन बख्शता है और हमें मजबूत करता है। फिक्र मत करो, तुम्हारी ये रूह भी जल्द निकल जाएगी। हमारी ये रूह अजल से अबद तक आलम इस्लाम के लिए वक्फ हो चुकी है। मैं रहूं या ना रहूं, कयामत तक हमारे लोग जालिमों के लिए खौफ की अलामत रहेंगे। Ha ha ha.
यार कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हो? आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, बता दो कि संदूक कहां है। पागल है भाई ये। उस सिपाही को भी इस हाल तक पहुंचा दिया। आर्थिक भाई का भी कुछ पता नहीं। ये ड्रैगोस बड़ी मुसीबत बन चुका है। बेटी, आराम से बैठो और सोचो कि क्या करना चाहिए। अर्तुरुल आर्थिक साहब को जरूर तलाश कर लेगा और इंतकाम भी लेगा उन जालिम मलूनों से। हमें थोड़ा सब्र करना होगा। सिर्फ ड्रैगोस ही नहीं वालिदा, मंगोलों का खतरा भी सर पर है हमारे। वो शैतान अलबस्ती है, अगर उसने हमला कर दिया तो। क्यों कह रही हो, इतनी परेशान क्यों हो तुम? उस जैसा शातिर ज्यादा से खामोश नहीं बैठेगा वालिदा। आज उसने हमारे 3 सिपाहियों पर हमला किया है, कल हम सब पर करेगा। हमें हर तरह के हमले के लिए तैयार रहना होगा। हम बैक वक्त उन सब का मुकाबला कैसे करेंगे वालिदा? सलजा मेरी प्यारी बहू, बेफिक्र हो जाओ तुम, हम हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं बेटी। दुश्मन की हर चाल का जवाब। मैं सराय जा रही हूँ वालिदा, यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। कबीले के लिए सामान भी देख लूंगी, ठीक है? ठीक है बेटी, खैरियत से जाओ। चेंज कर देना खुद को फटाक से। दारा जनाब, सोना कहाँ है पता चला? मैं किससे बात हुई मेरी, इस बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। मैं कैसे इस बारे में जल्द मालूम करके बताएगा हमें? दारा, मैं किसकी जानिब से आज तक कोई काबिल जिक्र मालूमात हासिल नहीं हुई। अगर अर्तुरुल ने उरानूस को सोना नहीं दिया तो हम खुद हासिल करेंगे। वो सोना बहुत आम है। अर्तुरुल को शिकस्त देने और सऊद पे कब्जा करने के लिए बहुत सिपाहियों की जरूरत होगी हमें, और उस सोने से ही ये सब मुमकिन है। जो आप हुक्म करें जनाब, लेकिन हम करेंगे क्या? उरानूस को पैगाम भेजवाओ कि मुझसे आकर मिले, आगे की हिकमत अमली तय करनी होगी। लईस, उसे बहुत से मकासद के लिए तैयार किया था मैंने, लेकिन अर्तुरुल ने उसे जान काम लूंगा के कयामत तक दुनिया याद रखेगी। क्या तुम कल कबीले जा रहे हो? हाँ जाना ही होगा, क्योंकि कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। बेचारा ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं। बाजार जा रहा हूँ। अच्छा, क्या करने जा रहे हो बाजार?
कहीं किसी से मिलने या बात करने तो नहीं जा रहे तुम? नहीं, नए कबायल के लिए कुछ सामान वगैरह जिनों से बात करना आसान नहीं बंसी भाई, लेकिन कोशिश करूंगा मैं। खैरियत, उनसे बात करने में क्या मुश्किल है? महसूल का सोना चोरी हो गया है। दरअसल उन्हें दोबारा अदायगी के मुतालबे का डर है, समझ नहीं आता कैसे बात करूं। अच्छा मेकिस, दरअसल मुझे ये कारोबारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। मुझसे तुम जंग के बारे में बात करो बस, कहीं किसी भी दुश्मन का सर कलम करना हो तो बताओ बस, समझ रहे हो ना? हाँ मेकिस, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए भाई। बेचारा मजबूर है, वो लोगों को पता लगे उसको छोड़ दे। जाओ बाजार जाओ मेकिस, अगर उनको पता लगे तो छोड़ देंगे उसको। पर एटलीस्ट ये बोल देगा कि ऐसा ऐसा सीन है तो अर्जुन कुछ तो करेगा। बाजार जाओ मेकिस, बोल भी नहीं रहा है ना। गुंदूस, तो घुड़सवार आ रहे। ये तो तुर्गुत भाई हैं, बाबा ने भेजा होगा इन्हें। और ये दूसरा कौन है? अभी पता चल जाएगा। राग मिला गुंदूस। बाजंतीन की सरहद तक तो हमें निशानात मिले तुर्गुत भाई, लेकिन उसके बाद निशान गायब हो गए। हमने सिपाहियों को वहां भेज दिया है, वो आर्तुक भाई को तलाश कर रहे हैं। अगर दरिया पार करने की जगह मिल जाए तो आर्तुक भाई भी मिल जाएंगे। तुम नहीं ढूंढ सकोगे। कौन है ये आदमी भाई? इन्होंने सिपाहियों को गलत रास्ते पर भेज दिया है। वो ये गुमान पैदा करना चाहते थे कि सरहद उबूर की है। नामुमकिन है, ये निशानात यही आए हैं। समझाना होगा। सिपाही यहां तलाश जारी रखेंगे, तुम दोनों हमारे साथ आओ। ये आदमी है कौन भाई? अर्तुरुल भाई ने आर्तुक साहब की तलाश के लिए खास तौर पर इन्हें भेजा है। निशाना देखना आते हैं तुम्हें? मैं दूध में सफेद बाल भी देख सकता हूं। मत पूछना इससे, खामोशी से पीछे चलो। बच्चे मिला तो मैं नहीं समझेगा ये सब। सिपाहियों तलाश जारी रखो अपनी। तो क्या बेबुलाद सरदार अब भी जिंदान में है? जी सलजान खातून। सरदार के हुक्म की पैरवी में कोई गफलत ना हो। अर्तुरुल सरदार कहाँ है? खबर दे उन्हें जाकर। सिरमा खातून आई। सिरमा खातून, जरा सब्र से काम लें। मेरी बहन अगवा हो गई, भाई को आपके अर्तुरुल सरदार ने जिंदान में डाल दिया और आप कह रही हैं। किसी चीज को लोग सोना समझ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जाहिर हकीकत से मुख्तलिफ होता है। तो मेरे भाई को क्यों जिंदान में डाला गया? उन्होंने कौन सा जुर्म किया है? तुम्हारे बाबा का कातिल ट्रेकोस साजिश कर रहा है। अर्तुरुल भाई उस साजिश के सद्देबाब के लिए कोशा है। ड्रैगोस साजिश कर रहा है? अर्तुरुल सरदार ने अगर मेरे भाई को कैद किया है तो उनका फर्ज है कि वो किले पर हमला करे और मेरी बहन को बचाए। अर्तुरुल सरदार कहीं ड्रैगोस से खौफजदा तो नहीं जो मेरे भाई को कैद कर लिया? एक गलत बोल दिया बेटा तूने। अर्तुरुल उस शाहीन की मानिंदे खातून
जो कव्वों के टोले से नहीं डरते। बहुत बड़ा खेल है ये। वो बराह रास्त हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए भाईचारे में दरार डालने की कोशिश में है। बुरे ख्यालात से खुद को महफूज रखें। अपने सिपाहियों को लेकर अब आप अपने कबीले वापस जाइए और कबीले में हिफाजती इंतजाम बढ़ा दीजिए। सरदारी की हिफाजत आप पे है, क्योंकि ये आग हमारे चारों तरफ फैल चुकी है। सिपाही और कबीले वाले खबर के मुंतजर हैं। उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? आप एक नामवर सरदार की बेटी हैं सिनमा खातून। ऐसा ही मुश्किल वक्त होता है जब अपनी सलाहियतें साबित की जाती हैं। अल्लाह पे यकीन रखिए, अर्तुरुल भाई कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। तुम्हारी बहन भी किले से बाहिफाजत वापस आ जाएगी और भाई भी सही वक्त आने पर आजाद कर दिए जाएंगे। तो अच्छा है। सुन लेगी। मैं भी गुस्से में आई थी, वैसे खराब बुरी कोशिश करती हूँ मैं आपको। गौर से सुनिएगा मेरी बात। अर्तुरुल सरदार अगर मेरी बहन को ना बचा पाए तो अमीर बहाउद्दीन के गुस्से की आग उन्हें जला देगी, क्योंकि अमीर बहाउद्दीन अपनी होने वाली सौजा की गुमशुदगी का हिसाब अर्तुरुल सरदार से जरूर। अब मजा आएगा। इन्हें वो पता नहीं था ना, ये वाला पता लग गए। अब अर्तुरुल समझेगा वो इतनी की वैसे थी। अच्छा है। बेबुलात सरदार, पहले मुझे ये बताइए, मेरी बहन को छुड़ाया आपने या उस मलून का सर लेकर आए हैं? इसके पास कुछ प्लान है। क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं, वो किले वापस चला गया है। उससे बात करने के लिए मुझे जिंदान में डाला आपने। अब ना तो आपने उसका सर कलम किया और ना ही मेरी बहन को वापस ला सके, तो क्या सोचकर आप मेरे सामने आए हैं? हाँ, तुम ना सीख ले जरा। मैंने पहले ही तुम्हें खबरदार किया था कि हमला होगा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब ये मामला मैं खुद निपटाऊंगा। आज के बाद तुम्हें मजीद परेशानियां पैदा करने की इजाजत नहीं दूंगा। जब तक तुम मौजूद हो यह मसला हल नहीं हो सकेगा। इल्पिल के खातून की जिंदगी की खातिर तुम्हें मरना ही होगा। मार दे, मजा आएगा, मार दे, मार दे। नहीं रे, ऐसे के लिए तो नहीं मारेगा अर्तुरुल। इसको खाप तो नहीं आ रहे, बस वैसे था ना। इतनी सी बात के लिए अर्तुरुल नहीं मारेगा, समझाएगा उसको, मारेगा नहीं। यहाँ घोड़ा बहुत चरने आया था और वो भी सवार के बगैर, लेकिन उसे कांटा चुभ गया। ये क्या कह रहे हैं? मतलब निशान से कैसे मालूम हुआ कि कांटा चुभा था? सवार के बगैर घोड़ा अपने सवार के मुतालिक बहुत कुछ बता देता है। घोड़ा यहीं कहीं है। तुर्कत भाई, वो यहां हो ये नामुमकिन है। आवाज आ रही है। उस तरफ चलो।
आर्तुक भाई का घोड़ा। ये कैसे हुआ? जिस घर में हमें जाना है वो करीब में ही है। यहां से आगे हम पैदल जाएंगे ताकि निशानात मिट जाए। इसे भी नीचे उतारो। तो समझ जाएगा अभी कार में गए हैं। उन्होंने आर्तुक भाई को रास्ते के आखिर में घोड़े से उतार लिया होगा। आर्तुक भाई ने मौका मिलते ही घोड़े को सर्प लगा दी ताकि उनके घोड़े के जरिए निशाना ढूंढ सके हम। तोड़ो और तेल तोड़ो। पहाड़ के उस तरफ कुछ गार भी मौजूद हैं। चारागाह के आखिर में शिकार के दौरान देखे थे मैंने, वो वही हैं। ये निशाना तो आर्तुक भाई तक ले जाएंगे। उस तरफ चलें। चलो। मार दिया इसको से। सरदार, मैंने मार दिया बेबुलात को। अपने गुस्से और हिमाकतों की कीमत चुकाई है इसने। जी का मार दिया। नहीं, मेरे को लग रहा है कुछ चाल है, इसको बता रहे ऐसा ताकि इंफॉर्मेशन दे कुछ। सऊद के खुफिया रास्तों से वाकिफ हो तुम। तुम और अब्दुल रहमान इसकी लाश सऊद से दूर ले जाओ। बाकी अब्दुल रहमान देख। काम खत्म करके सराय वापस आ जाना। सब समझ गए ना मिकस? जी बिल्कुल सरदार। ठीक है। इसकी चाल होगी प्रॉपर चाल। उस बागी गुंदोगदू की बीवी सलजान और बेटा सुलेमान अर्तुरुल की पनाह में है। उन्हें पनाह देने वाला अर्तुरुल हलाकू खान से दुश्मनी चाहता है क्या?
17 दिन को नेवी को हमारे सिपाही सराय में कत्ल करने गए तो उन पर भी किसी ने हमला कर दिया। कहीं इसके पीछे भी अर्तुरुल का। अर्तुरुल, अर्तुरुल, अर्तुरुल। वो एक अजीब आदमी है और उस काम में मुलव्वस होता है जहां नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो अमीर बहाउद्दीन? संदूक नहीं ढूंढ पाए तुम? एक मामूली सरदार को काबू नहीं कर पाए? ताई कबीला मुसीबत बनता जा रहा है। बहुत गलतियां बर्दाश्त कर चुके हैं हम। हमें उनके सर चाहिए बहाउद्दीन सर। जी बिल्कुल कमांडर, जैसा आप कहें। उनके सर उतारना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लेकिन नहीं सुनना चाहता मैं। सही कहा, लेकिन अगर हमने अर्तुरुल का सर उतार दिया तो वो संदूक के बारे में नहीं बता पाएगा। अगर संदूक अर्तुरुल के ही पास है तो हमें उसका सर नहीं बल्कि वो जिंदा चाहिए होगा। जबान पर रखो अपनी और जाकर संदूक तलाश करके लाओ यहाँ, वरना तुम्हारा सर संदूक में रखकर भेज दूंगा हलाकू खान के पास। जल्दी मिलेगा, मैंने बेहतरीन सिपाही रवाना कर दिए हैं, वो कभी भी संदूक लेकर आते होंगे। अगर इस बार कोई गलती हुई तो मैं खुद खून के प्यासे सिपाहियों को लेकर सऊद जाऊंगा और उनके सर काट के तबाहों पर बात कर दूंगा सब। तुम्हारे पास बस अब एक आंख रह गई। अरे रे, मेरे हाथ में तुम्हारा मुकद्दर देर और रोशनी के दरमियान है। Actually, अगर चाहो तो हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाओ, या चाहो तो तुम्हें रोशनी में रहने दूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर मुकद्दर में अंधेरा है तो मंजूर है। तुम जानते हो कि संदूक कहाँ है? बता दो वरना दूसरी आग भी जला दूंगा। जो कर सकते हो कर लो। नहीं, क्यों नहीं, ये देख नहीं सकते। होशियार हो जाओ, अर्तुरुल के सिपाही आ रहे हैं, उन्होंने ढूंढ लिया है हमें। कैसे ढूंढ सकते हैं वो? जल्दी करो, सबको मार डालो, जाओ। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिपाहियों, फौरन उन लोगों के पीछे जाओ। मार्गिन, फौरन जाकर अर्तुरुल भाई को खबर करा। अर्तुरुल भाई, उन जालिमों ने आपके साथ क्या किया अर्तुरुल भाई? मेरे पास आके नहीं तो क्या हुआ तुरकुत? मेरे पास मेरे राज मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आप सहतियाब हो जाएंगे आर्तुरुल भाई। चलो इन्हें कबीले लेकर चलते हैं। आइए संभल के। अर्तुरुल को झुकने पर मजबूर कर दिया जनाब। हमारी बात मानने की सिवा उसके पास कोई चारा नहीं। अर्तुरुल को कम मत समझना उरारूस। माना उसे मजबूर तो कर दिया है तुमने, लेकिन मोहतात रहना होगा। याद रहे, जीत से पहले जश्न मनाने वाले जंग हार जाते हैं हमेशा। अब क्या हुक्म है मेरे लिए?
अगर अर्तुरुल हमारी शरायत मान इल बिल्गे की जान इतनी सस्ती नहीं इतनी जल्दी हम इस जाल से नहीं निकलने देंगे अर्तुरुल को। तारा जनाब एक खुशखबरी लेकर आया हूं आपके लिए। अर्तुरुल ने बेबुलाद को मार दिया। तारा क्या वाकई ये खबर किसने दी तुम्हें? मैं किसने दी है? अर्तुरुल ने उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए एक्स और एक सिपाही को जिम्मेदारी दी है। बहुत खूब। मैं किसने कोई अच्छी खबर तो दी? अब वो पीछे नहीं हट सकता। अब मजा आएगा। क्योंकि बेबुलाद फंसता है उसके बीवी बच्चों तो उसकी बहनों को भी हेल्प होना चाहिए। दोनों कबाइल के दरमियान जंग करवाने का बेहतरीन मौका दिया है हमें उस अर्तुरुल ने। तारा उमर उलार कबीले को ये खबर खबर सुना दो। उसने खुशा उसको मिला लिया रहेगा अभी। कुछ तो बोला होगा कुछ तो अमीर बहाउद्दीन। भाई क्या दिमाग चल रहा है यार। लेकिन यार मेरे को आर्तू भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। अभी दोनों इतने अच्छे हैं एंड ऊपर से बोल रहे हैं ना कि इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने राज ही रखा। उन्होंने बोला नहीं कि यार दोनों आंखें और वो दूसरी उसकी जो बहन है वो समझ के चली गए। सलजान ने बोला तो ठीक है मैं तो वही देखना। मतलब मेरे को अभी तक तो ठीक ही लग रही है वो। नहीं वो ठीक लग रही है वो थोड़ा दिमाग से काम भी ले रही है। सुना उसने उससे जो बोलना सरजन खाते उसने सुना उसने समझा उसके बाद ही फिर उसने बोलते ना ठीक है चलो कोई नहीं मैं मैनेज करती हूँ वाला सीन था। लेकिन आर्तुक भाई मिल तो गए चल अच्छा है जान तो नहीं गई रखे नहीं है बट नहीं वो कुछ तो इलाज हो सकता है। फोड़ दिया अलिया घुसा दिया लेकिन एक में जस्ट लगाया था तो मैं भी शायद एक आग बच जाए शायद से बट थोड़ा और दो सेकंड जल्दी आते ना तो शायद हो जाता। पर अब ये क्या प्लान कर रहे हो देखना है अर्तुरुल। मजा आएगा ये हमेशा वन स्टेप आगे ही रहता है अर्तुरुल। उसने समझ लिया ना परख लिया बंदे को जैसे उसने समझ लिया कि ड्रैगोस गलत ये नकली वाला है सब कुछ प्रॉपर है बोलते ना परख लिया भी वैसे प्लान कर रहा है एकदम से। ठीक है और वो डायलॉग सबसे बेस्ट लगा मेरे को मैं दूध के अंदर भी सफेद वाली दूध पी लेता हूँ। अरे किलर डायलॉग था भाई बट नहीं वो है वैसे भाई बंदा है पहले आप दुश्मन था और अभी देखो कैसा है शार्प शूटर भी है भाई वो बहुत दूर की नजर है उसकी। चलो देखते हैं आगे तो गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट बेल आइकन।